सिर्फ एक ही विकल्प है, लॉकडाउन और सिर्फ लॉकडाउन। दुनिया भर के देशों की रिपोर्ट आपने देख ली हिंदुस्तान में, लेकिन कल से क्या क्या बदल जाएगा अब वो हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन कैसा होगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, सबसे पहले लॉकडाउन में क्या चीज की परमिशन होगी और किस चीज की परमिशन नहीं होगी। ट्रेन शायद ये अभी आप देख रहे हैं कि मुमकिन है कि जिस तरीके से ट्रेन अभी चल रही है उसी तरीके से आगे भी ट्रेन चलाई जाए। मेट्रो सर्विसेज को हरी झंडी मिल सकती है। शॉपिंग मॉल्स लेकिन बंद रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स को इजाजत मिल सकती है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पाबंदी हटा दी जाएगी तो ऐसा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी। हमने जैसे कि कहा मेट्रो सर्विसेज, दिल्ली में भी मेट्रो सेवा को बहाल किया जा सकता है, लेकिन शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी होगी। आप जानते हैं टोटली सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, ऐसे में शॉपिंग मॉल्स शायद ना खुले, इसकी इजाजत बहुत कम है। ई कॉमर्स कंपनियां भी जैसे जरूरी सामानों की डिलीवरी करी थी ठीक उसी तरीके से अभी भी उनकी डिलीवरी जारी रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा रियायत मिलने की संभावना कम है। इंटर स्टेट मूवमेंट बस का अभी भी बंद रहेगा, यहां पर पाबंदी रह सकती है। यहां हम कंटेनमेंट जोन की बात कर रहे हैं और साथ ही ऑरेंज जोन की बात कर रहे हैं, जहां पर ये टोटली शायद आपको इसी तरीके का स्वरूप लॉकडाउन 4 का भी दिखाई देगा। सैलून और स्पा खुलने की इजाजत होगी, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि पूरी तरीके से रियायत होगी, केवल रियायत होगी, टोटली ओपन नहीं होगा। स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे, ये बात तय है। जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, हम उनकी हेल्थ को किसी भी तरीके से संकट में नहीं डाल सकते, इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाएगा। सिनेमा घर बहुत जरूरी नहीं है, कोई एसेंशियल सर्विस नहीं है, और बड़ी संख्या में क्योंकि थिएटर में लोग इकट्ठा होते हैं इसलिए आप ये मानकर चलिए सिनेमा घर नहीं खुलेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कुछ नहीं खोला जाएगा।